हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु प्रसाद जोनवाल और आप देख रहे हैं मैक्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँ जो कि रिलेटेड है हमारे अनबॉक्सिंग से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक सिंपल कीपैड फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके फीचर्स वगैरह क्या है और ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं, या फिर कॉलिंग वगैरह सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अन इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। हम इसके पॉलीथिन हटा लेते हैं। हमने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसकी जो अमेज़ॉन की प्राइस है वो डिस्काउंट करके आपको 1400 रुपये में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1400 रुपये में ये मिला है। टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये देख सकते हैं फ़ोन का जो डेमो के रूप में, मतलब जो फ़ोन है वो यही है ऊपर वाला। तो आपके जो देखते हैं इसमें क्या क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रोमैक्स गोल्ड सीरीज़ का फ़ोन है। X749 है मॉडल नंबर ये है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, माइक्रोमैक्स की कंपनी का है, जिसके डिस्प्ले आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 6.09 सेंटीमीटर है, मतलब 2.4 इंचेस का स्क्रीन आपको मिल जाती है यहाँ पर। और डुअल सिम है, आप दो सिम इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप देखा जाए तो 1750 mAh का है, मतलब 740-50 mAh पावर है। यहाँ पे आपको एक टॉर्च भी मिल जाती है यहाँ पे, और लैंग्वेज आपको अपने अकॉर्डिंग आपको इसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से, दिल से स्वदेश, ये मेड इन इंडिया फ़ोन है। आप यहाँ लिखा हुआ है, इस वजह से लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे आपको टैग मिल जाता है माइक्रोमैक्स का। जो अगर आप बात करें तो इसकी जो प्राइस की बात करें तो इसके अंदर कितनी लिखी हुई है, 2500 रुपये लिखी हुई है। आपको 1500 रुपये में अमेजोन पर मिल जाएगा। इसके अगर आप शॉप में ख़रीदने जाते हो कम से कम 200 से 2200-2300 रुपये में ज़रूर देगा दुकान वाला। तो आप अगर ऑनलाइन ख़रीदेंगे कीपैड फ़ोन तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया फ़ोन है, ये मेड इन इंडिया है। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको ओपन कर लेते हैं इसकी पॉलीथीन को उठाकर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा ट्राईपॉड पे मैंने फ़ोन को लगा लिया है, तो अब हम इसे ओपन करते हैं। इसकी पॉलीथीन हम एक काम करते हैं, टॉप से हटाएंगे यहाँ से। इसके पॉलीथीन अब हम हटा लेते हैं यहाँ पर। इसकी पॉलीथीन हटाते ही हमें देख सकते हैं आप यहाँ पे एक और पॉलीथीन मिली है, मतलब एक सील पैक आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस टैग को भी हटा लेते हैं, माइक्रोमैक्स के टैग को हटा लेते हैं। इसकी सील को हम खोल लेते हैं, नीचे से भी अब हम इसकी सील को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सारे सिस्टम बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में क्या क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं इस फ़ोन में निकाल के बताने वाले। तो इसको इस तरह से आपको खोल लेना है। और यहाँ फ़ोन आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही कम वेट का मेरे को फ़ोन लग रहा है। अब इसकी हम पहले तो बहुत ही लाइट वेट है फ़ोन का। अब हम क्या करते हैं, इसके बॉक्स में क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन को साइड में कर लेते हैं। इसके फ़ोन को टॉप से खोलना है, बॉटम से खोल लो, टॉप से खोल लो। और इसके अंदर क्या मिल जाता है आपको, अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ के लिए ख़रीदना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट फ़ोन है। आप गिफ्ट भी कर सकते हैं दिवाली पर। हैप्पी दिवाली, मैं अभी बोल देता हूँ आपको पहले स्टार्टिंग में, हैप्पी दिवाली टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड माई फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, एक पोर्टेबल चार्जर मिल जाता है। ये केबल वाला चार्जर नहीं है, जो इसका है वो ये है। ये आपको केबल वाला चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक मैनुअल गाइड मिल जाता है। यहाँ पे डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको इस तरह से फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके साथ ईयरफोन भी मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया ईयरफोन है, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। तो आपके साथ इसको ईयरफोन भी मिल जाते हैं। अगर आप ख़रीदने जाते हो तो आपको ईयरफोन क्या, बैटरी चार्जर तक नहीं देते हैं अब आजकल फ़ोन वाले कंपनीज वाले यही कर रहे हैं। तो इसकी जो बैटरी है इसकी भी पॉलीथीन को हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बैटरी को डायरेक्ट इसमें लगा लेते हैं। बैटरी को लगाने से पहले जब हम इसकी स्क्रीन पे जो ये लगा हुआ है इसको हम हटा लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स का मिल जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन बहुत अच्छी है, मॉडल नंबर
आप यहाँ देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोमैक्स लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। कहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा। यहाँ ओपन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है। यहाँ पर डुअल सिम भी सपोर्टेबल है, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको बैक कैमरा भी मिल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसकी बैटरी लगा लेते हैं। सिम लगाने से पहले हम इसकी बैटरी लगा के चेक करते हैं कि किस तरह से काम करेगा, कि क्या करेगा। अब हम इसकी बैटरी लगा लेते हैं और हम इसको पैक कर देते हैं। पॉलीथिन हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी पॉलीथिन हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका कवर भी लगा लेते हैं, इसको आपको शानदार। आपको यहाँ पर ईयरफोन लगाने के लिए ये पोर्ट भी दे दिया गया है, आप यहाँ पर ईयरफोन लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका चार्जर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका माइक मिल जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं टॉप में आपको टॉर्च मिल जाती है, बहुत ही अच्छी टॉर्च लग रही है। तो हम इसको ऑन करते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं ऑन हो चुका है हमारा इस फ़ोन, कीपैड फ़ोन माइक्रोमैक्स का ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी ईयरफोन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। ओहो, इस तरह से आपका ये फ़ोन ऑन हो चुका है, आपकी पहले से बैटरी। जब भी फ़ोन फ्रेंड्स, जब भी अगर आप फ़ोन खरीदते हैं तो आप उसको 100% परचेज़ करते ही आप उसको 100% ज़रूर चार्ज कर लें, और नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम, मतलब बैटरी अच्छी काम करेगी अगर आप आते ही नए फ़ोन को चार्ज पे लगा सकते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऊपर वाला दबाते ही मल्टीप्लेयर आपको मिल जाता है। यहाँ पे एडजस्ट वॉल्यूम मैंने ऑन कर लिया है, यहाँ पे आपको मिल जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे आपको लॉक, यहाँ पे आपका सेम लॉक सिस्टम है पुराने वाले फ़ोन की तरह। इसको दबाओ, फिर इसको बनाओ मेन्यू जाके। अब हम इसका लॉक भी हटा लेते हैं। अगर आपको टॉर्च जलानी है तो आप पावर सेव मोड में चले जाते हैं, अगर आप ज़ीरो दबाते रखते हैं, दबा कर रखते हैं, तो पावर सेव मोड पर चल जाता है फ़ोन। यहाँ पे आपको लॉक का मिल जाता है, ये वाला मेन्यू दबाकर, ये वाला स्टार दबाकर आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको बाकी सारी चीज़ें पता होगी, स्टार वगैरह दबाकर, हैश दबाकर आपका क्या होता है, म्यूट भी हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं फ्रंट, टॉर्च के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, टॉर्च के लिए आपका ये सेंटर बटन है, आपको क्या करना है, दबा के रखना है। तो इसकी टॉर्च बहुत ही शानदार है, यहाँ देख सकते हैं टॉर्च बहुत ही शानदार है, जो बहुत ज़्यादा टॉर्च आपको मिली है। इसको क्या करना है, आपको ऐसे ही दबा के रखना है, और अपने आप दबा के रखेंगे तो टॉर्च ऑन हो जाएगी, अपने आप दबा के रखेंगे तो टॉर्च बंद हो जाएगी। इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन चीज़ की। आपको यहाँ पर टॉप पर कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, वाईफाई भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे अब कोई, हाँ मैं इस भी तो बता दूंगा कि आपको किस तरह से कॉल लगाना है, कॉल किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से नंबर सेव करेंगे, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कॉल लॉग मिल जाते हैं, यहाँ पे जितने भी रिजेक्टेड कॉल्स हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाता है, यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ी बहुत शानदार लग रही है मुझे। यहाँ देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। इंसर्ट मेमोरी कार्ड कह रहा है। आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, मैसेजिंग का मिल जाता है, मैसेज का भी। इसी तरह से आप अपने शॉर्टकट कीज़ भी इसमें लगा सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिल जाता है, साइलेंट वगैरह मोड सब कुछ मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपको मल्टीमीडिया मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो प्लेयर सब कुछ आपको मिल जाता है, FM मिल जाता है, साउंड रिकॉर्ड मिल जाता है। यहाँ पे आपको गेम्स भी मिल जाते हैं, अलग अलग गेम्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आप फ्री में भी खेल सकते हैं, 1 ट्रायल फॉर फ्री है। यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर भी मिल जाता है। यहाँ पर खास बात ये थी इसकी सेटिंग्स में, आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको चेंज करना हो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर नेटवर्क सेटिंग करना हो, नेटवर्क सेटिंग, फ़ोन सेटिंग करनी है, तो फ़ोन सेटिंग में आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं।
डिस्प्ले लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर मिल जाती। शॉर्टकट कीज़ में आपको इसको चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, आपको क्या रखना है, मैसेज का रखना है। हम क्या कर लेते हैं, मैसेजिंग का रख लेते हैं टॉप पर। अगर आप ऊपर वाला दबाएंगे तो मैसेजिंग आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने मर्ज़ी से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके आपको क्या मिल जाता है, आपको अलार्म मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, यहाँ पर टेक्स्ट रिकॉर्डर और टॉर्च भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं म्यूज़िक प्लेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस फ्रीम मैंने आपको बता दिया, इसकी खास खास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपकी चार्जिंग पिन है, आपको मैं अभी ये भी बताता हूँ कि किस तरह से लगेगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको ये जो ये वाली जो पॉइंट्स है, आपको इसको नीचे रखना है और इसको ऐसे इजीली लगा देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। आप इसे चार्जिंग करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ आप जब भी ये फ़ोन ख़रीदे तो इस फ़ोन को, चाहे कोई भी फ़ोन ख़रीदे, आप हमेशा फ़ोन परचेज़ करने के बाद उसको सबसे पहले यूज़ करने से पहले 100% चार्ज कर ले। इसकी केबल भी आपको बहुत ही लंबी मिल जाती है, आपको चार्जिंग केबल भी बहुत लंबी मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 2 मीटर आपको मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलिंग की कि किस तरह से लॉक कॉलिंग लगाते हैं। अब मुझे जैसे मान लीजिए नंबर सेव करना हो तो क्या करते हैं, मैं नंबर 1 सेव कर लेता हूँ। इसमें खास बात यह है आपका नंबर भी बोलेगा 7। यहाँ पे आपको मैं एक नंबर सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कॉन्टैक्ट पे जाना है, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, नेम डालना है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नेम रख लेते हैं। मैं मेरा ही नाम, मेरा नंबर है तो मैं मेरे नंबर से सेव कर लेता हूँ। इसे नंबर से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आप होम नंबर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम सेव पर क्लिक करते हैं। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इससे फोनिंग कॉल का लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनमें से नंबर, इसमें से आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टैक्ट में हम अपने आप अकॉर्डिंग देख लेंगे। कॉल लॉग में जाते हैं, मैंने सेव कर लिया है, कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं। अब हम कॉल लगा के देखते हैं। अब ये कह रहा है इंसर्ट सिम, तो मैं आपको इसमें इंसर्ट सिम डालने के बाद कैसे वो करता है वो मैं इसमें सिम डाल लेता हूँ। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसमें सिम डाल लेते हैं। अब हम इसमें तो इसको वापस से ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे वापस ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ख़रीदना चाहते हैं जो कीपैड फ़ोन चलाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट यही फ़ोन रहेगा। अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको चीपेस्ट प्राइस में भी मिल जाएगा, क्योंकि दिवाली ऑफर चल रहा है तो आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। मैं आपको इसमें सिम लगाना भी बता देता हूँ कि किस तरह से सिम लगानी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कट है ये वाला, ये कट इस तरह से लगेगा। तो ये हम इस तरह से कट वाली जगह दोनों में इसी तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सिम लगा लिया, अब हम इसकी बैटरी भी लगा लेते हैं। यहाँ भी जो ये है बैटरी का जो है, ये साइन हमेशा किस तरफ ही रहेगा, प्लस माइनस वाला। तो हम इसको बैटरी को लगा लेते हैं। आप इसकी पॉलीथिन को मैं अभी इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, इस वजह से। फिर उसके बाद कंप्लीटली मैं इसकी पॉलीथिन को हटा लूँगा। इसको आपको अच्छी तरह प्रेस करना है, जब जाके ही ये इस तरह से होगा। इसका बहुत ही वेट बहुत ही लाइट है। अगर हम बात करें तो इसके वेट के, आप यहाँ देख सकते हैं वेट बहुत ही कम है, मतलब 200, मतलब 0.20 के, 200 इसका वेट मिल जाता है। बहुत ही लाइट वेट है यहाँ पर इसका, बहुत कम, आपको 1 किलो भी इसमें वेट नहीं मिल जाता है यहाँ पर। अक्टूबर में इसकी पैकिंग जो हुई है वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कब हुआ है, 2022 में हुआ है, 20 में हुआ है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज सेंड हो रहा है। अब यहाँ पे इंडिया BSNL मोबाइल लिखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको कॉल लगा के दिखा देता हूँ मैं। कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं हम डायरेक्ट, जो मेरे ऑलरेडी नंबर सेव है, मैसेज आ चुका है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नंबर लगा के देखते हैं एक 8। यहाँ आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलता है, आप इसको डायरेक्ट दबा के रखेंगे तो डायरेक्ट लॉक लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं नंबर, यहाँ आप इस पर कॉल लगा के इस तरह से कॉल लगा सकते हैं। यहाँ इस तरह से हमारा कॉल लगा सकते हैं, इस तरह से हम कॉल लगा सकते हैं। आप यह देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट आपको मिल जाती है कि किस किस को कॉल लगाया है, अलग अलग जने को हम लगा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में जाके मैं एक और नंबर पे कॉल लगाता हूँ, तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कॉल, इस तरह से कॉल लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो कॉल लगाए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसका कॉल आया, मिस कॉल भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इस फ़ोन में सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फ़ोन मुझे बहुत शानदार लगा, इसका कैमरा भी अच्छा है, स्पीकर साउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार फ़ोन लगा इसकी। अगर मैसेजिंग की बात करें तो मैसेज भी वही पुराने किसी कीपैड फ़ोन की तरह ही है। माइक्रोमैक्स है जो फ़ोन आते हैं, बहुत ही शानदार बनाती है कीपैड फ़ोन। अगर माइक्रोमैक्स नोकिया के बाद जो कीपैड फ़ोन बनाती है वो शानदार माइक्रोमैक्स कंपनी ही बनाती है। वो अगर मैं री राय है ये कि अगर आप कीपैड फ़ोन खरीदें तो माइक्रोमैक्स ही ज़रूर करें, परचेज़ करें, क्योंकि बेनिफिट आपको इसी से ही मिलेगा, बेनिफिट आपको इसी फ़ोन में ही मिलेगा, इसी कंपनी मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।